नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा एके हंगल का है। आज हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता एके हंगल की हम बात करेंगे। एके हंगल यानी कि अवतार किशन हंगल। अपनी अधिकांश भूमिकाओं में वो एक अच्छा बूढ़ा आदमी बनकर स्क्रीन पर नजर आए, वो आदमी जो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और हर कोई उस पर भरोसा कर सकता था। वो केवल एक अभिनेता ही नहीं थे बल्कि उन्हें राजनीति की भी अच्छी समझ थी। शायद ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि एके हंगल फिल्मों में आने से पहले स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई का हिस्सा भी रहे थे। वो फ्रीडम फाइटर थे। कहा जाता है कि आजादी की लड़ाई लड़ने के दौरान वो 3 साल तक जेल में भी रहे। बंटवारे के बाद पाकिस्तान के सियालकोट में जन्मे एके हंगल मुंबई आ गए। मुंबई में पढ़ाई करने के बाद उनकी दिलचस्पी थिएटर में जगी और वो कई सालों तक थिएटर का हिस्सा रहे। 50 साल की उम्र में उन्होंने अपना फिल्मी करियर शुरू किया। एके हंगल ने अपने फिल्मी करियर में यूं तो कई हिट फिल्मों में यादगार रोल किए, जिनमें से एक शोले के रहीम चाचा का किरदार है। रहीम चाचा का किरदार भले ही छोटा था लेकिन उनका एक डायलॉग आज भी लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर ही लेते हैं। वो डायलॉग क्या था आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। एके हंगल के सफल किरदारों के बारे में हर कोई बात करता है लेकिन उन्होंने शुरुआत कैसे की इस पर लोगों को कम बात करते हुए देखा जाता है। आज जो एके हंगल से जुड़ा किस्सा हम आपके लिए लेकर आए हैं उसके बारे में शायद ही आप लोगों ने कहीं पढ़ा या सुना हो। ये किस्सा जुड़ा है एके हंगल की पहली फिल्म तीसरी कसम से। अब आप सोच रहे होंगे कि एके हंगल तो इस फिल्म में थे ही नहीं, तो बस यही बात तो आज हम आपको इस पॉडकास्ट में बताने वाले हैं कि एके हंगल इस फिल्म का हिस्सा थे और वो फिल्म में क्यों नहीं दिखे। ये बात 1960 के दशक के शुरुआती दौर की है। एके हंगल इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से जुड़े हुए थे और वो फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्हें उस वक्त वो सुनहरा मौका नहीं मिल पा रहा था। अन्नू कपूर ने अपने एक शो में इस बात की जानकारी दी। वो कहते हैं कि एक दिन हंगल साहब मुंबई के वार्डन रोड पर स्थित भोला भाई देसाई इंस्टीट्यूट में एक नाटक की रिहर्सल कर रहे थे। उसी दौरान उनसे मिलने के लिए वहां महान फिल्म निर्देशक बासु भट्टाचार्य पहुंचे। उन्होंने एके हंगल से मुलाकात की और बासु ने उन्हें बताया कि वो एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है तीसरी कसम। इस फिल्म में राज कपूर के एक बड़े भाई का किरदार है जिसे वो चाहते हैं कि एके हंगल ही निभाएं। एके हंगल चूंकि पहले ही फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने की जद्दोजहद में लगे थे, ऐसे में सामने से फिल्म का ऑफर मिला तो उन्होंने उसके लिए बासु भट्टाचार्य से तुरंत हां कर दी। इस फिल्म के लिए हां करने की सिर्फ यही वजह थी कि उन्हें किसी फिल्म में काम करना था, बल्कि उन्हें पहली ही फिल्म में राज कपूर जैसे दिग्गज कलाकार के बड़े भाई का रोल करने का मौका मिल रहा था जिसे वो किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहते थे। फिल्म की शूटिंग हुई और उन्होंने अपने हिस्से की शूटिंग भी पूरी की लेकिन एके हंगल की बदकिस्मती तो देखिए कि अपनी पहली ही फिल्म के रिलीज होने का उन्हें 6 साल तक इंतजार करना पड़ा। वो अपने आप को बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी उत्साहित थे। 6 साल बाद यानी कि साल 1966 में जब तीसरी कसम फिल्म रिलीज हुई तो वो काफी निराश हुए। वो खुद को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बहुत ही खुश होकर सिनेमाघर पहुंचे थे लेकिन पूरी फिल्म खत्म हो गई पर वो उस फिल्म में खुद को ढूंढ भी नहीं पाए। वो इसलिए क्योंकि उनके सारे सीन एडिटिंग में काट दिए गए थे। इससे एके हंगल साहब का दिल टूट गया। हालांकि उन्होंने इसकी शिकायत फिल्मकार से नहीं की। अपने सीन को न देखकर जो दर्द उन्हें मिला उस दर्द को उन्होंने अपने तक ही सीमित रखा। न ही उन्हें अपने उनके सीन हटवाने की वजह किसी ने बताई थी और इस फिल्म के बाद उनके मन में ये ख्याल आने लगा था कि उनका फिल्मी करियर चल नहीं पाएगा। इस फिल्म के बाद उन्होंने और भी फिल्में की लेकिन उनसे उन्हें कोई पहचान नहीं मिली। साल 1967 में ऑफर हुई फिल्म शागिर्द। इस फिल्म में एके हंगल के काम को काफ़ी सराहा गया और शागिर्द फिल्म से उनके करियर को एक रफ्तार मिली और इसके बाद उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में महत्वपूर्ण
और दमदार किरदार निभाए। मेरी नज़रों में एक एंगल साहब का शोले से इतर अवतार में निभाया गया जो किरदार है वो बहुत यादगार है, बहुत चैलेंजिंग भी लगता है। आपको एक एंगल साहब का कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा पसंद है, और हाँ वो शोले का डायलॉग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।